Hello everyone. Today we are going to discuss the topic tenses in in, uh, in the subject English, right? So, uh, so we are going to discuss this um, um, this tenses in Hindi, right? Because we are going to uh, learn this. It is English, so we cannot uh, learn English in, in in English, right? We uh, so uh, I mean if we have to learn english, so we have to learn that uh, this english in our respective regional language. so uh, I'll, be, uh, I'll be speaking in hindi also, right? so i'll be using hindi also in order to explain english. i um, mean this in order to explain this tenses. what are tenses, right? the present, past, future tenses, right? so let us start with the topic. it is uh, tenses in the, in the subject english, right? tenses de uh, denote the time of action. They, they show when the work is done. सो टेंस एक टाइम ऑफ एक्शन को शो करता है जब काम होता है वेन द वर्क इज डन राइट दे आर प्रेजेंट टेंस पास टेंस फ्यूचर टेंस राइट सो दे आर दे आर फर्दर डिडेड इन टू सिंपल प्रेजेंट राइट सो लेट इज सी वॉट डू वी मीन बाई सिंपल प्रेजेंट इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस सो बेसिकली ये डेली बेसिस पे जो काम होता है उसको शो करता है राइट एज एट सेज इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स जो जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं इन यूनिवर्सल ट्रूथ है वर्क डाउन ऑन वर्क डॉन ऑन डेली बेसिस सो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर शी राइट्स अ लेटर राइट इसको असर्टिव रूल कहते हैं इसमें सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट राइट शी राइट्स अ लेटर राइट ओके तो इसमें यह लगता है शी राइट्स अ लेटर वो वो लेटर लिखती है राइट शी डज नॉट राइट

एग्जाम्पल डी दी नॉट दश ही नॉट राइट अ लेटर क्या वो लेटर नहीं लिखती है इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस कहते हैं इट टेक्स ड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट राइट लेट्स मूव फर्दर प्रजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब ये इस समय वो उस समय कोई एक्शन टेक प्लेस कर रहा तो उस समय कोई चीज हो रही होती है जिस समय आप बोल रहे होते हो राइट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस राइट सो वी कैन हेल्प इट वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल शी इज़ राइटिंग अ लेटर वो लेटर लिख रही है असर्टिव रूल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट राइट वो लेटर लिख रही है सब्जेक्ट इज शी इज़ एम आर राइट प्लस She takes is she is she uh, am hota it is she is she is writing a letter right because continuous present continuous so writing plus ing first of the first form of verb plus ing plus object object is letter example another example she is not writing a letter or let a letter hai right it is a negative rule right it takes subject plus again is plus not क्योंकि नेगेटिव है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज दी लेटर एग्जाम्पल इज शी राइटिंग अ लेटर क्या वो लेटर लिख रही है इंटेरोगेटिव रूल इज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट राइट इंटरगेटिव क्वेश्चन है क्या वो लिख रही है लेटर एग्जाम्पल इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल क्या वो लेटर नहीं लिख रही है

असर्टिव रूल है ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट राइट रिटर्न राइट रोट रिटर्न राइट सो थर्ड फॉर्म इज रिटर्न शी हैज़ नॉट रिटर्न लेटर उसनेटिव रूल है उसने उसने लेटर नहीं लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैस शी टेक्स हैस राइट शी है शी हैज़ होता है प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट शी हैज़ नॉट रिटर्न अ लेटर राइट

प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट राइट प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दिस टेंस शोज द एक्शन विच स्टार्टड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू मतलब कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ है और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है सो इसको कहते हैं प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस राइट सो लेटस हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स शी इज़ नॉट शी सॉरी शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर वो वो लिखती रही है अभी शी हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर वो अभी तक लेटर लिख रही है अभी भी लेटर लिख रही है राइट शी हैज़ बिन वो मतलब लिख शी हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर राइट वो वो लेटर अभी भी लिख ही रही है ठीक है तो इसमें लिखा है स्टिल कंटिन्यूइंग मतलब अभी भी लेटर लिख रही है पहले से और अभी तक चल रहा है उस क्या लिखा है विच हैज स्टार्टेड इन पास्ट विच मीन्स in the past time it has started and still continuing so as we can say she has been writing a letter from the past subject plus has plus been plus first form of verb plus ing plus object she has not been writing a letter right it, it takes subject plus has plus not not been फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी प्लो सब्जेक्ट राइट शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग लेटर वो अभी तक लेटर नहीं लिख रही है ठीक है वो अभी लेटर नहीं लिख रही है पहले पहले से अभी तक नहीं लिख रही है पहले भी नहीं लिख रही थी अभी भी नहीं लिख रही है ठीक है शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग लेटर ओके शी बीन राइटिंग अ लेटर क्या वो अभी तक लेटर लिख रही है तो इंटारोगेटिव हो गया ठीक है क्या वो अभी भी लेटर लिख रही है पहले जो लिख रही थी क्या अभी भी लिख रही है क्या पहले से अभी भी लिख रही है शी हैज शी बिन राइटिंग अ लेटर क्या वो अभी भी लेटर लिख रही है मतलब पहले नहीं लिख रही थी अभी भी नहीं लिख रही है राइट right? तो वो चीज़ हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट राइट एग्जाम्पल हैज शी नॉट बिन राइटिंग अ लेटर अगेन हैज प्लस शी प्लस नॉट नॉट बीन नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट राइट सिंपल पास्ट यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कम्पलीटेड इन पास्ट ये कैसे एक्शन को दर्शाता जो पास्ट में ही हो चुका है ठीक है इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम इट इज़ इन रिलेशन टू टाइम राइट समटाइम इट इज़ यूज विद यूज फॉर पास्ट हैबिट्स आई प्लेड फुटबॉल वेन आई वॉज़ अ चाइल्ड मैं फुटबॉल खेलता था जब मैं बच्चा था शी रोट अ लेटर उसने एक लेटर लिखा था असर्टिव सेंटेंस है शी रोट अ लेटर सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट राइट उसने लेटर लिखा था नेगेटिव शी डिड नॉट राइट अ लेटर उसने लेटर नहीं लिखा था सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट राइट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड शी राइट अ लेटर क्या उसने लेटर लिखा था इंटेरोगेसन आ गया तो उसमें क्वेश्चन है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसमें क्या आता है डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस ऑब्जेक्ट डेट शी नॉट राइट अ लेटर क्या उसने लेटर नहीं लिखा था ठीक पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट समाइम इन द पास्ट ये ऐसे एक्शन को डिनोट करता है राइट गोइंग ऑन ऐट समाइम जो चल रहा था पिछले किसी जो चल रहा था पास्ट में किसी टाइम पे गोइंग ऑन ऐट समाइम इन द पास्ट मतलब किसी पुराने समय में मतलब पहले पिछले पीछे के समय में चल रहा था वो आई वॉज ड्राइविंग अ कार मैं कार चला रहा था राइट right? तो इसमें देखते वॉर वॉज वर प्लस आई एन जी राइट असर्टिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट शी वॉज राइटिंग अ लेटर वो लेटर लिख रही थी राइट नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट शी वॉज नॉट राइटिंग लेटर वो लेटर नहीं लिख रही थी अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं वॉज शी राइटिंग अ लेटर क्या वो लेटर लिख रही थी वॉज प्लस वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट राइट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वॉज प्लस वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट जहाँ इंटेरोगेटिव आता है क्वेश्चन वहाँ पर नॉट आ जाता है वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर क्या वो लेटर नहीं लिख रही थी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ टू डिस्क्राइब यूज़ टू डिस्क्राइब एन एक्शन कम्पलीटेड बिफोर अ सर्टिन मूवमेंट इन द पास्ट मतलब ये ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो कम्प्लीट हो चुका है बिफोर अ सर्टिन मूवमेंट इन द पास्ट मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले ही पास्ट में कम्प्लीट हो चुका है यूजली अ लॉन्ग टाइम अगो काफ़ी समय पहले इफ टू एक्शन हैपन इन द पास्ट अगर दो दो एक्शन जो पहली पास्ट में हो चुके हैं राइट right? पास परफेक्ट इज यूज टू शो द एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर वो ऐसे एक्शन को शो करता जो पहले ही हो चुका है सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सो लेट इज है लुक एट द एग्जाम्पल द पेशेंट डाइट बिफोर द डॉक्टर केम पेशेंट पहले ही मर चुका था डॉक्टर के आने से तो पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले ही राइट असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क प्लस ऑब्जेक्ट वैसे भगवान ना करें ऐसा कभी हो बट इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस द पेशेंट हैड डाइट बिफोर द डॉक्टर केम पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले ही राइट right? तो ये इसका ये है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट राइट ओके मतलब ऊपर जो एग्जांपल दे रखा है ये इसका एग्जांपल है पास परफेक्ट टेंस का राइट एंड आफ्टर दैट असर्टिव सेंटेंस है Let us have a look at these also. Uh, assertive sentences. Uh, it is subject plus hat plus third form of verb plus object. She had written a letter. Usne letter likhata. Right? Negative sentence. She had she plus hat plus not plus plus object. She had not written a letter. Usne letter nahi likha tha. Interrogative. Hat plus subject plus third form of verb plus object. Had she written a letter? क्या उसने लेटर लिखा था अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हैड शी नॉट रिटन अ लेटर क्या उसने लेटर नहीं लिखा था पास परफेक्ट कंटिन्यूस राइट यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ये एक ऐसे एक्शन को शो करता जो एक सर्टिन पॉइंट में हुआ था राइट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट मतलब किसी पॉइंट के पहले वो हो चुका था सर्टेन पॉइंट राइट बिफोर सर्टेन, बिफोर सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट मतलब किसी किसी सर्टेन पॉइंट के पहले ही वो चीज़ हो चुकी थी वो एक्शन एंड कंटिन्यू टू, एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन पास्ट और पिछले के समय में कुछ समय तक कंटिन्यू की थी सो वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद देल्प ऑफ एन एग्जाम्पल आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन द स्कूल फॉर ट्वेंटी डेज मैं बीस दिन से इंग्लिश सीख रहा हूँ आई हैड बिन लर्निंग मैं सीख ये कह रहा मैं सीख रहा था मैं बीस दिन से इंग्लिश सीख रहा था मतलब कि बीस दिन से वो इंग्लिश सीख रहा था अब असर्टिव सेंटेंस देखते हैं शी हैड बिन राइटिंग लेटर वो लेटर लिख रही थी काफ़ी समय से वो लेटर लिख रही थी राइट शी हैड बिन राइटिंग लेटर वो एक लेटर एक लिख रही थी नेगेटिव सेंटेंस

हेट शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर क्या वो लेटर नहीं लिख रही थी राइट लेट्स मूव फॉर फ्यूचर टेंस टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन राइट समय और लहर किसी का वेट नहीं करते हैं सो वो पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस तो कह रहे एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो एक आ, बोलने की मोवमेंट को फॉलो करता है राइटिंग इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस तो उसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है लेट इज यू नो अंडरस्टैंड दिस फ्यूचर टेंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल इट्स वेरी सिंपल शी विल राइट अर लेटर वो एक लेटर लिखेगी सिंपल फ्यूचर दिस टेल अस अबाउट एन एक्शन विच हैज नॉट अकर्ड येट एंड विल अकर एट आफ्टर सम आफ्टर सीइंग और इन फ्यूचर मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो अभी हुई नहीं है वो होगी हम, हम, uh, so, हम मतलब ये फ्यूचर की बात कर भविष्य की बात ये होगी अभी हुई नहीं होगी रूल है विल प्लस शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट सो लेट्स लेट्स मूव फर्दर इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शाल यूज एक हेल्पिंग वर्ब है शायल यूज होता है विद आई एन वी आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है ठीक है हेल्पिंग वर्ब इज यूज विद ऑल अदर्स जो विल है वो और सबके साथ लगता है वेन यू आर टू मेक अ कमिटमेंट और वॉन्ट सम वन और एम्फोस एम्फोसाइज सम वन या तो आपको कोई कमिटमेंट करनी है या किसी को चेतावनी देनी है या जोर देना है किसी चीज़ पे एम्फोसाइज करना है यूज़ ऑफ़ विल शैल बी शैल इज़ रिवर्स्ड सो उस समय यूज़ ऑफ़ विल शैल इज़ रिवर्स्ड राइट विल इज़ यूज विद आई एंड वी इसमें क्या था विल जो है आई और वी के साथ यूज़ होता है एंड शैल इज़ यूज विद अदर्स ठीक आई और वी के साथ Will is used with I, and we, and shall is used with others, right? In general speaking, there is hardly any difference between shall and will, and normally will is used with all, right? Now let us use this rule in various form of business forms of sentences, right? Now let us use this rule in various forms of sentences. Let's move further. Positive affirmative sentence. Let's see what is this? What this is. Subject plus will plus shall plus it is will oblique shall plus verb first form plus object. She will write a letter. letter Negative sentence. Subject plus will oblique shall plus not plus verb first form of verb plus object. She will not write a letter. or letter Interrogative sentence will

यूज टू एक्सप्रेशन ऑन गोइंग और कंटिन्यूड मतलब जो अभी चल रहा है continue, जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है जो एक्शन फ्यूचर में होगा ही विल भी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टमोरोट ट्वेल्व ओ क्लॉक मतलब वो कल को बारह बजे मिठाइयाँ बांट रहा होगा राइट इन द एग्जाम्पल द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर ये जो एक्शन है उस फ्यूचर में कल होगा एंड एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यू टिल समाइम इन फ्यूचर और जो एक्शन है कंटिन्यू करेगा किसी समय तक कल को फ्यूचर में राइट वी यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट और अराउंड टाइम इन द फ्यूचर सो हम जो फ्यूचर कंटिन्यूस को जो यूज़ करते हैं ये ऐसी सिचुएशन को शो करता है टॉक्स अबाउट सम समथिंग दैट विल बी इन प्रोग्रेस दो अभी प्रोग्रेस में जो होगा प्रोग्रेस में होगा एट और अराउंड इन टाइम इन द फ्यूचर जो अभी है या किसी समय फ्यूचर में होगा let us uh, let us have a look at it with the help of examples let us see with the help of examples what does it mean will oblique shall plus b plus verb first form of verb plus ing let us use this rule in various form of sentences so uh, let us see positive affirmative sentences subject plus will oblique shall plus b plus verb first form of first form plus ing plus object right she will be writing a letter wo letter likh hogi negative sentence सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शाल प्लस नॉट प्लस बी प्लस व फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर वो लेटर नहीं लिख रही होगी राइट ये नेगेटिव सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस विल ऑब्लिक शायल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस व फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट विल शी बी नॉट विल शी बी राइटिंग अ लेटर इट्स इन्स विल शी बी राइटिंग अ लेटर क्या वो लेटर लिख रही होगी विल शी बी राइटिंग अ लेटर क्या वो लेटर लिख रही होगी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विल ऑप्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर क्या वो लेटर नहीं लिख रही होगी विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर क्या वो लेटर नहीं नहीं लिख रही होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन अ इन फ्यूचर एंड विल बी कम्प्लीटेड बाई अ सर्टन टाइम इन फ्यूचर राइट इट्स एज कोई ऐसा एक्शन जो भी होगा या फ्यूचर में होगा और कंप्लीट बाय सर्टन टाइम और जो होगा वो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम में होगा लेट एस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट टू से दैट समथिंग विल बी फिनिश्ड बाई पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर

क्या वो लेटर नहीं लिख चुकी होगी राइट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर राइट मतलब ऐसी आ, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में फ्यूचर में किसी फिक्स टाइम पे कमेंस करेगा एंड विल कंटिन्यू जो कंटिन्यू करेगा फॉर टाइम किसी समय किसी समय तक फ्यूचर में इट दर इज़ नोट नो टाइम रेफरेंस अगर वहाँ अगर वहाँ पर कोई टाइम रेफरेंस नहीं है दैन इट इज़ नोट अचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तब वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है विदाउट विदाउट रेफरेंस बिना बिना कंटीन्यू टाइम रेफरेंस के सच रेफरेंस सेंटेंस आ फ्यूचर कंटिनियस सेंटेंस तो ऐसे सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऐसेस को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं कंटिन्यू टाइम रेफरेंस ओनली डिफ्रेंशियस बिटवीन जो कंटिन्यू टाइम रेफरेंस है वो जो किस चीज़ में डिफ्रेंशियशन करता है डिफ्रेंशियट बिटवीन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस राइट दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस राइट इफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एम्फरसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एन एक्टिविटी दैट विल भी इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर इट्स एस इसका कहने का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो किस चीज़ पे एम्फोसाइज करता है ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी जो ड्यूरेशन किसी भी एक्टिविटी की अवधि ड्यूरेशन दैट विल बी इन प्रोग्रेस जो प्रोग्रेस में है बिफोर अनदर टाइम किसी किसी बिफोर uh, किसी और टाइम के पहले और इवेंट इन द फ्यूचर राइट या फ्यूचर की इवेंट के पहले राइट फ्यूचर बिफोर अनदर टाइम या किसी और टाइम के पहले या इवेंट इन द फ्यूचर राइट बिफोर इवेंट किसी किसी फ्यूचर इवेंट के पहले राइट इवेंट इन द फ्यूचर राइट किसी इवेंट इन द फ्यूचर के पहले राइट दिस टाइम टमोरो आई विल बी एन्जॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम इस समय कल मैं क्रिकेट मैच एन्जॉय कर रहा हूँ स्टेडियम में राइट right? इसका मतलब ये है अच्छा दिस टाइम टमोरो कल इस समय आई विल बी एन्जॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम मैं क्रिकेट मैच को स्टेडियम में एंजॉय कर रहा हूँगा इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट प्लान एक्शन ये प्लान एक्शन जो है उसको दर्शाता है और एक्शन एक्सपेक्टेड टू हैपन या कोई ऐसा एक्शन जो जिसकी उम्मीद की जा रही है दे विल दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक वो हफ्तों के लिए कुछ हफ़्तों के लिए वो स्टे करेंगे दे विल बी स्टेइंग फ़ॉर अ वीक वो कुछ हफ्तों के लिए स्टे कर रहे होंगे राइट विल भी होंगे वो कुछ हफ़्तों के लिए स्टे कर रहे होंगे

वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट इट्स विल ऑब्लिकव बिन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी नाउ लेटर्स यूज दिस रूल इन वेरियस फॉर्म ऑफ सेंटेंसिस पॉजिटिव एफॉर्मेटिव हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट शी विल हैव बिन राइटिंग अ लेटर वो लेटर लिख रही होगी राइट शी विल हैव बिन राइटिंग अ लेटर वो लेटर लिख रही होगी इसका मतलब ये है राइट शी विल हैव बिन वो अब शी विल हैव बिन राइटिंग अ लेटर तो वो अभी लेटर लिख रही होगी राइट नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट सो इसका मतलब शी विल है लेटर वो लेटर लिख रही होगी नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव बिन प्लस वर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट राइट शी विल नॉट हैव बिन राइटिंग अ लेटर वो लेटर नहीं लिख रही होगी वो एक लेटर नहीं लिख रही होगी इन टोगेटिव सेंटेंस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बिन प्लस वर्फ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट विल शी हैव बिन राइटिंग अ लेटर क्या वो लेटर लिख रही होगी विल शी हैव बिन राइटिंग अ लेटर क्या वो एक लेटर लिख रही होगी इन ट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बिन प्लस वर्फ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट विल शी नॉट हैव बिन राइटिंग अ लेटर क्या वो लेटर नहीं लिख रही होगी क्या वो एक लेटर नहीं लिख रही होगी राइट इसका मतलब क्या वो एक लेटर नहीं लिख रही होगी राइट ओके सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक राइट सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच